नमस्कार, मैं संचिता बैनर्जी, आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस टीवी। खुश हूँ, बच्चे के साथ तो मेरा अटैचमेंट हो गई है क्योंकि मुझे लगता है मेरे ही बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उमेश जी, आप आ जाइए सरपंच साहब। एक्चुअली मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया। संचिता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तीन रक्षाबंधन का है, एक माँ के लिए बच्चों को रक्षाबंधन ये त्यौहार मनाते हुए सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं तो ये दंगल चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा शो लेके वो लोग आए हैं। इस बहुत ही फैमिली ड्रामा है, इसमें भाई बहन के ऊपर है एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे के साथ तो मेरा अटैचमेंट हो गई है क्योंकि मुझे लगता है मेरे ही बच्चे हैं। मतलब बहुत ही अटैच हो गई हूँ, वैसे भी रियल लाइफ में मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, तो इसमें भी वैसा जो पुली है, पुली का जो कैरेक्टर है वो म्यूट है, बोल नहीं सकती है, उसको एक्सप्रेशन एंड जेस्टर से समझाना पड़ता है, तो यहाँ पे सारे एक्टर बहुत सपोर्टेड है एंड बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम शो की बात करें तो कभी ना कभी जो फेस्टिवल्स होते हैं बिना ड्रामा ट्विस्ट के कंप्लीट नहीं होते, पर क्या ट्विस्ट आने वाला जो बताएं? ट्विस्ट तो अभी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं है, ये लोगों ने कहा, क्रिएटिव ने कहा कि बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है, मेरे ऊपर भी आ रहा है, तो बस आगे देखते हैं। आगे अगर बता दूंगी, एक्चुअली मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन आगे आने वाला बहुत अच्छा अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। आपके पतिदेव यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उमेश जी, आप आ जाइए सरपंच साहब। नहीं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उमेश को अभी इस टाइम, क्योंकि इस वेरी 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 गुड कोस्टार, बहुत सपोर्ट करता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है। रक्षाबंधन आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? एक्चुअली मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया, वही मैं बॉम्बे में हूँ, मिस करूँगी उसको बहुत। वर्चुअली सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, वैसे ही। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ एक और को एक्ट्रेस की जो आपके साथ काम करती है, कोई थोड़ी पुली बहुत भोली है, पुली को पुली उल्टा फंस जाती है हर चीज़ में, वो अगर पुली अच्छा खाना बनाती है तो कोई और नाम क्रेडिट लेके चली जाती है, तो इस टाइप के है, लेकिन पुली का पोल सब बचा के जाते हैं, लेकिन पुली पोल नहीं खोल पाती क्योंकि पुली बोल ही नहीं पाती है ना। एज अ को एक्टर पोल खोलनी है? नहीं, ऐसा तो कुछ खास तो नहीं है। अच्छा, ऑफ स्क्रीन नहीं, नायरा तो बहुत सिंपल है, जैसे वो कैरेक्टर प्ले कर रही है बिल्कुल वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है नायरा एंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है उम्मे, मतलब निशांत, नायरा, सब लोग यहाँ पे ही मिले हैं फर्स्ट टाइम, और सीरियल भी मेरा टीवी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम मैं सीरियल कर रही हूँ, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी उनकी नायरा की आदतें जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, वेरी क्यूट, मुझे ऐसा कभी कुछ लगा नहीं है। निशांत भी बहुत मूडी है लेकिन अच्छा है, जो भी है अच्छा है, मेरे साथ तो अच्छा है। ये दोनों नहीं आते तो मतलब सेट ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे कहाँ आ गए, तो बच्चे के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, हम लोग खुश भी रहते हैं कि बच्चे आ गए, हमको लगा ही नहीं कि यहाँ पे ना टीम बहुत अच्छी है, हमारा डायरेक्टर जो मोहित झा वो तो बहुत अच्छे हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, क्योंकि बहुत टफ है ये जो कैरेक्टर है ना, बहुत टफ है, चैलेंजिंग कैरेक्टर है, तो इसको लोगों के सामने एक्सप्रेस करना और जेस्टर से मेरे लिए बहुत टफ था, तो सर ने बहुत इजी कर दिया चीज़ों को। हाँ, जोड़ के रखती है, रक्षा करती रहती है, हर चीज़ में चली जाती है, अपने आप सोचती नहीं है कि नहीं मेरी जान चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें पैर दे देती है, और दिल बहुत बड़ा है पुली का, सबके लिए दिल बहुत बड़ा है। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग मुझे इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया है, रक्षाबंधन शो को पसंद किया है, वैसे ही आप लोग देते रहिए प्यार, और देखते रहिए, ये आगे बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड मैं भी मेहनत करूँगी और भी ज़्यादा कि और भी अच्छे से एंटरटेन कर पाऊँ आप लोगों को।